सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के Xiaomi डिवाइस के लिए गाइस कुछ ऐसी डार्क थीम्स दिखाने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने MIUI 13 में अप्लाई करोगे तो आपको काफी एक अमेजिंग सा डार्क लुक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस थीम भी दिखाने वाला हूँ जो कि यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी एक थीम है, तो उस थीम को डेफिनेटली आप लोगों को देखकर जाना चाहिए। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं पहली इस वाली थीम से। तो इस थीम के अंदर गाइस आपको एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा एंड बहुत ही अच्छा एक डार्क सा लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले बात करूं इसके आइकन्स की तो यार आइकन्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड इसकी जो क्लॉक विजेट है वो भी आपको कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिल जाएगी म्यूजिक विजेट के साथ में। एंड देखो एक चीज मुझे इस थीम के अंदर अच्छी ये लगी कि इसके सारे ही आइकन्स आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई भी आइकन्स पहले की तरह नहीं रहेगा, तो ये काफी अच्छा एक लुक दे रहा है अपना। तो इस थीम के अंदर अपना एक देखो गाइस ब्लैक लुक नहीं है बट एक डार्क लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड उसी डार्क लुक में आपको इसका डायलर भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि सिर्फ MIUI डायलर ही चेंज होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका वॉल्यूम बार भी आपको डार्क ग्रे के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा एंड इसका नोटिफिकेशन सेंटर कंट्रोल सेंटर भाई दोनों ही चीजें बिल्कुल आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है आपको वीडियो में इतना फर्क ना दिख रहा हो बट यार जब आप इसको रियल में देखोगे ना तो काफी ज्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल इसकी जो सेटिंग है गाइस वो भी आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएगी एंड सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो काफी एक हल्का सा बॉर्डर दिया गया है चारों तरफ जो कि सेटिंग को एक काफी अच्छा अपना एक लुक दे रहा है। एंड उसके अलावा अगर आप सिस्टम में और अंदर जाओगे तो वहां पर आपको सब जगह भाई बिल्कुल एक डार्क लुक देखने के लिए मिल जाएगा, आई मीन डार्क ग्रे जो कि सच में काफी मिनिमल है बट अच्छा लग रहा है। फिलहाल बात कर लेते हैं अब इसकी गाइस लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन भी कुछ आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएगी, कोई ज्यादा चेंज नहीं है बट यहाँ पर ये जो कैलेंडर इन लोगों ने दिया यार ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद में कुछ इस टाइप की आपको एक क्लॉक विजेट देखने के लिए मिल जाएगी जो कि यार सही लग रही है अपनी लॉक स्क्रीन भी इसकी। फिलहाल बात कर लेते हैं गाइस इस थीम के नाम की, तो इस थीम का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3D ग्रेश V13। तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हो अपने थीम स्टोर में जाकर एंड इसको अपने आइकन्स के लिए या फिर जिस भी चीज के लिए चाहो आप यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद में सेकंड थीम का नाम है गाइस 04 MTX डिजाइन। इस थीम को सर्च करने के लिए आपको MTX डिजाइन सर्च करना पड़ेगा तब भी ये थीम आपके सामने आ जाएगी। अब यार इस थीम को मैं एक बार यूज कर चुका हूँ, इसकी लॉक स्क्रीन के लिए एक सेटअप के अंदर मैंने यूज किया था तो यार काफी ज्यादा यार ओवरऑल लुक भी इस थीम का मुझे पसंद आया। इसके आइकन्स की अगर बात करूं तो भाई काफी एक ब्लैक आइकन्स देखने के लिए मिल जाएंगे कलरफुल कॉम्बिनेशन के साथ में एंड ये जो क्लॉक विजेट है भाई इसको डेफिनेटली किसी सेटअप के अंदर मैं जरूर यूज करूंगा। बाकी ये फुल वॉलपेपर भी काफी अच्छा लग रहा है। अब यार यहाँ पर एक चीज मुझे सबसे ज्यादा इसकी पसंद आई वो है इसका कंट्रोल सेंटर, आई मीन देख सकते हो भाई फुल्ली आपको एक ब्लैक लुक देखने के लिए मिल जाएगा, हल्का सा ब्राउन टॉगल्स दिए गए हैं जो कि ओवरऑल काफी एक अच्छा लुक दे रहे हैं इस थीम को। बाकी इसका नोटिफिकेशन सेंटर है, बैकग्राउंड से ब्लर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड शेड आपको इसकी ब्लैक मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर डायलर की इसकी बात करूँ, डायलर के अंदर काफी अच्छा एक लुक दिया गया है जो कि आप देख सकते हो रेड इसके रेड फॉन्ट्स के साथ में, तो ओवरऑल यार डायलर भी मुझे पसंद आया। बात करो देखो उसकी सेटिंग की, तो सेटिंग के अंदर भी आपको एक काफी अच्छा सा डार्क लुक देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ओवरऑल सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है एंड इस टाइप से आप लोग देख सकते हो अंदर तक से भाई सब कुछ अपना फुल्ली डार्क हो चुका है, तो ओवरऑल ये थीम भी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बात करूँ उसकी देखो लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन को ही मैंने एक सेटअप के साथ में यूज किया था, आई थिंक साइटामा का वो सेटअप था, तो काफी सही इसकी लॉक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा है, फुल्ली डार्क है, डबल टैप करोगे तो आपके सामने एक म्यूजिक विजेट आ जाएगी, तो अपना म्यूजिक आप प्ले पॉज यहाँ से कर सकते हो एंड उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे एक हल्की सी अनलॉकिंग एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बस इतना ही है इसकी लॉक स्क्रीन के अंदर, बाकी आप चाहो तो इसके इसको आइकन्स के लिए या फिर इसके कंट्रोल सेंटर के लिए या फिर इसके सिस्टम के लिए इस थीम को यूज कर सकते हो। बात करें गाइस अपनी थर्ड वाली थीम की, तो इस थीम का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा 03 MTX डिजाइन, बट इस थीम के लिए भी आपको सिर्फ MTX डिजाइन ही सर्च करना, आप लोगों के सामने ये वाली थीम भी आ जाएगी। इस थीम को देखो वो लोग ज्यादा पसंद करेंगे जिन लोगों को ग्रेडियंट लुक ज्यादा अच्छा लगता है ब्लैक के साथ में, क्योंकि इस थीम का सिस्टम में गाइस काफी जगह पर ग्रेडियंट ब्लू या फिर पिंक इस टाइप के कलर्स को यूज किया गया है जो कि ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आइकन्स वगैरह इसके अच्छे लगे, विजिट भी इसकी काफी सही लग रही है एंड यहाँ पर बात करूँ उसके कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कुछ इस टाइप का पर्पल कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बैकग्राउंड में पर्पल कलर है एंड डार्क थोड़ा सा हल्की से डार्क शेड के साथ में। एंड इसकी नोटिफिकेशन की बात करूँ तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बट एक चीज मुझे यहाँ पर यार ठीक नहीं लगी, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ग्रे है तो भाई वो ग्रे का ग्रे ही रह गया, वो ब्लर नहीं हुआ। बाकी नोटिफिकेशन के जो बॉर्डर्स हैं वो यार मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इस ग्रेडियंट लुक में। इसके बाद में बात करें गाइस इसके डायलर की, तो डायलर के अंदर भी आपको फुल्ली ब्लैक एंड ग्रेडियंट टाइप का इस टाइप का लुक देखने के लिए मिल जाएगा, तो ओवरऑल मुझे डायलर काफी ज्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पर सेटिंग आप लोग देख सकते हो, सेटिंग के अंदर भी फुल्ली ब्लैक लुक दिया गया है एंड अगर आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो भाई यहाँ पर और भी कमाल का लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये चीज इस थीम की यार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर जो कलर्स वगैरह का चूज किया गया है काफी सही लग रहे हैं एंड यहाँ पर इसकी लॉक स्क्रीन में कुछ ज्यादा दिखाने के लिए है नहीं, बस एक वॉलपेपर अपना चेंज किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी बोनस थीम की, तो यार एक काफी सही डार्क लुक आपको इस थीम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करूँ थीम के नाम की, इस थीम का नाम है DC मॉन्स्टर 99। आप सिर्फ DC मॉन्स्टर सर्च करोगे ना तब भी ये थीम आपके सामने आ जाएगी। अब देखो इस थीम के अंदर मुझे यार काफी कुछ है ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, जैसे कि इसका एक कलर कॉम्बिनेशन है भाई, देखो रेड के साथ में ना ग्रे कलर एंड अपना ब्लू कलर काफी ज्यादा कमाल का लगता है, तो यहाँ पर दोनों ही कलर यूज किए गए हैं। यहाँ पर एक काफी सही चीज मुझे लगी, जब भी आप अपना पेज को स्लाइड करोगे ना तो कुछ इस टाइप से आपका जो वॉलपेपर है वो आपको ब्लर होता दिख जाएगा। एंड बात करूँ इसका आइकन्स की, तो आइकन्स भी यहाँ पर डार्क ग्रे एंड रेड के साथ में आपको देखने के लिए
मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। इसकी जो विजेट है छोटी सी विजेट है एंड विजेट भी मुझे यार अच्छी लगी। देखो इस थीम को मैंने बोनस थीम में इसलिए डाला क्योंकि इसका नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता। बाकी यहाँ पर इसकी बात करूँ देखो लॉक स्क्रीन की, यहाँ पर आपको एक बहुत सही लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलने वाली है जहाँ पर ये एक जो एंग्री पैंडा बना हुआ है ना इस पर आप डबल टैप करोगे तो ये इमेज यहाँ पर चेंज होती आपको दिख जाएगी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये रेड कलर का जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं इसका टाइम वगैरह ये भी काफ़ी सही लग रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी एक स्मूथ सी एनिमेशन दी गई है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल इन चारों थीम्स में से कोई आपको एक चीज़ भी पसंद आई हो तो वीडियो को यार बिना लाइक किए मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।